की शुरुआत करते हैं और आज का जो दिन है वो है खास, क्योंकि आज हम लोग आए हैं बाहर। हम लोग आए हैं हेलसिंकी एस्पो से बाहर। मुझे नाम बोलना नहीं आ रहा है कहाँ आए हैं, बट हम लोग जो भी सिटी में है उसका नाम मैं लिख दूंगी। मौसम है बहुत गर्मी वाला, जिसको आपने बाकी वीडियोस में भी देखे, पिकनिक वगैरह। हम लोग एक स्पॉट पे रुके हैं। मैंने वीडियो घर से चालू नहीं किया क्योंकि वो ही बोर हो जाता, तो मैंने बोला स्पॉट पे जाके हम लोग करेंगे। अभी हम मिडवे पे आए हैं, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है थोड़ा चार्ज हो रही है, तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, इसके लिए आए हैं। लेकिन सामने का बहुत सुंदर सीन है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो पूरा व्लॉग देखना, एंड तक देखना। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे अभी हम लोगों ने रुकने का सोचा है। तब तक गाड़ी वाड़ी चार्ज होगी, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, आइसक्रीम कैफे सब कुछ है यहाँ पे, और यहाँ की जिलेटो आइसक्रीम बहुत फेमस है, तो वो खाएंगे। तो लेक है यहाँ पे सामने, लेक है। तो ये है पूरा ग्रुप गाइस, ये है हमारा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा ग्रुप, और बस यहाँ पे थोड़ा देर रहेंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको और आगे कहाँ जाने वाले। मिस्टर राम जो है वही है इस ट्रिप के ऑर्गेनाइजर, इनको पता है सारे नाम वाम क्या क्या है, तो उसके हिसाब से। और वो सामने कितनी सुंदर बोट है, मैं आपको दिखाती हूँ। Appalachian sunrise. दोस्तों तो हम यहाँ पे बैठ गए और मेरे सामने व्यू बहुत सुंदर है, मैं दिखाऊंगी। और मैंने ली है आइसक्रीम, तो ये मैंने ली है जीशा की आइसक्रीम, जो कि जीशा फेमस चॉकलेट है, उसकी आइसक्रीम ली है। आपको सामने का भी व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स भी बैठे, तो वो है सामने टी अंकित। गाइस, तो हम लोग आए सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हम कॉटेज में बनाएंगे खाना, तो उसके लिए हम लोग सामान ले रहे हैं। Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden. ओके दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं, ये है हमारा कॉटेज, यहाँ हमने हमारी गाड़ियाँ जो है पार्क कर दी है। तो ये है हमारा कॉटेज और इसमें हम लोग अब दो दिन रुकने वाले हैं, तो होम फॉर टू डेज विल बी दिस प्लेस, गृह प्रवेश करेंगे। तो ये है हमारा कॉटेज, इसका टूर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगी। तो हम लोग पहुंच गए और हम सब मिलके खाना बना रहे हैं, तो टिया मुझे हेल्प कर रही है और अभी हम बना रहे हैं। सब मसूर खाते हैं, तो मॉर्निंग मसूर की दाल और राइस, ये हमारा आज का डिनर होने वाला है, तो उसी की तैयारी हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट की। मुझे कॉटेज बहुत पसंद है, मुझे ऐसे घर बहुत पसंद है। तो फिर नो बर्ड गिफ्ट होगी तो क्या लगता होगा, ये जो टूर माई गॉड, यहाँ की लेक भी इतना सुंदर है, पूरा टूर देंगे हम लोग, आप टेंशन मत लो। वीडियो ले रहा है, कैसा है खाना, कैसा है? ओके दोस्तों, अंधेरा दिख रहा होगा, कोई नहीं, सनसेट, हाँ बढ़िया दिख रहा है। दोस्तों तो हम लोग अभी रात के बज रहे हैं 12:30, हम सबने डिनर कर लिया और हम लोग निकले हैं वॉक करने के लिए, और टिया ने मुझे लाइट का सहारा दे दिया, तो हम सब लोग निकले वॉक करने के लिए। रात के 12:30 हो रहे हैं और मेरे पीछे आप देखोगे तो लेक है, जिसका हम सुबह दर्शन करेंगे। और सनसेट देखो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, मतलब हो गया है, लेकिन देखिए स्काई पिंक दिख रहा है। गाइस, आर यू ऑल एंजॉयिंग? गाइस क्या मस्ती चल रही है? गाइस लक कैसा रहा है अंधेरे में, चमक रहे हो? अच्छा लग रहा है। चलिए तो अभी बस वॉक करेंगे, फिर उसके कमरे में जाएंगे, थोड़ी मस्ती चल रही है, उसके बाद हम लोग हम लोग जाते हैं ना सब लाइन में कमरे में, और फिर उसके बाद सो जाएंगे और फिर कल फिर से मस्ती करते हुए निकलेंगे बाहर। क्या करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगी, तो मैं मिलती हूँ आपको कल, बाय। तो दोस्तों हमें चैन नहीं पड़ा, हम अभी और सोच रहे हैं कि और थोड़ा जागरण करेंगे, तो अभी बज रहे हैं 1। दोस्तों सोना है कि नहीं आप लोगों का? वो तो एक बेचारा बैठे बैठे सो रहा है, दो खुराफाती दिमाग सोच रहे कि क्या गेम खेले। ये देखो एनर्जी, दोपहर के 1 नहीं बज रहे टिया, बैठ जाओ, रात के 1 बज रहे, एंटरटेनमेंट के लिए इसको देखने के लिए आया करो, है कि नहीं? तो अभी खेलने वाले हम लोग गेम, इसका खुद का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो। यस, अभी हम लोग खेलने वाले गेम और गेम खेलने के बाद सोएंगे, इंशाल्लाह सोएंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हो रहे हैं सुबह के 3:25 हो रहे हो, और अभी तक हम लोग गेम खेल रहे थे, तो अब बस हम सोने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो उजाला कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि 4:00 सनराइज है, तो अभी फुल सनराइज होने वाला है और अभी हम लोग सोने जाएंगे। तो अभी देखो मैं सोने से पहले ब्रश करने जा रही हूँ, अभी सुबह का ब्रश है कि रात का ब्रश है गॉड नोस, बट यस मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ 1 सेकंड, हाँ अगर आपको यकीन नहीं, देखिए 3:30 है ना,
तो 3:30 हो रहे हैं और उजाला ऑलमोस्ट हो गया, सनराइज वहां से होने वाला है और पीछे आवाज आ रही है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलती हूँ मैं आपको सुबह, बाय। The next day. Good morning. Tia is making poha. Good morning. ये बना रही हूँ, हम दोनों बना रहे हैं। गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है फिनलैंड में ऐसा पानी में जाने का, मुझे बहुत डर लग रहा है। बट ठीक है, अरे मुझे सच में डर लग रहा है ऑनेस्टली, पर भगवान का नाम लेके ट्राई करेंगे। अश्विन पहले आता तो तुम इसको हेल्प कर देते। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, अमेजिंग। और नीचे नहीं है सीढ़ियाँ, बहुत पीछे पानी। अरे मेरा हाथ पकड़ ले, ये छोड़, मेरा हाथ पकड़ ले, ये मेरा हाथ पकड़। कुछ तो आ जा, नीचे कुछ नहीं है, बस ये नीचे कुछ तो भी है पानी। अच्छा था वो पत्थर था, मनोज उल्टा होके उतरो, उल्टा होके उतरो, हाँ ऐसे उतरो, हाँ बस नीचे वो जाली है कुछ। रोहन एक बार राम को चिल्ला के बोलो कि उसका सांस। अंकित का हाथ पकड़ लो मोनल, अंकित के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आ जाता था। गया क्या? भी लग रहा है मेरा हाथ। रोहन कितना है? अरे कुछ नहीं है, बस पैर नहीं दे 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 बस मैं। अरे ये क्या, पैर तो रखना नीचे, अरे पैर तो रखना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है, अरे टिया पत्थर है, छोड़ दो छोड़ दो, ये आ जा तू ऊपर जा। अरे छोड़ दो, तुम छोड़ दो उसको, ये पैर नहीं रखेगी। चले जाओ, चलो फोटो लो, कहां है इसके पैर? मामा मामा मामा, वीडियो चल रहा है, कुछ नहीं नॉर्मल चीज है, तू टेंशन मत ले मामा, वीडियो चल रहा है। मैं तो आंसू ही आ गए गुरुदेव। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस बताइए जरा। वो डरावना था, आई लव इट, लविंग इट, आई एम लविंग इट। सेशन हो जाओ, ये गाना गाते हैं गाइस, हवा के साथ नदी ऊपर से जा रहा था। ओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहां ऐसे जुड़ के। बाकी सब तुम नींबू नमक वाला डाल दो, देखो टिक्का बना रही हूँ मैं, और आरशी सॉरी टिया बना रही है ग्रिल्ड वाला वेजी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे है एप्पल का झाड़, तो मैंने एक एप्पल तोड़ा है। आप यहाँ पे एप्पल देख सकते हो, कितने सारे ग्रीन एप्पल है ये सारे। ये एप्पल मैं तोड़ के खा रही हूँ सुबह से, मुझे बहुत पसंद आई है। और वहाँ पे हमारा ग्रिलिंग सेशन चालू है, तो हमने वहाँ पे पूरी तैयारी जो है वो लगा के रखी है। और ना थोड़े बादल गरज रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े बूंद ऐसे गिर रहे पानी के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए चलने में तो और भी मजा आ रहा है, वाह बादल गरज रहे, बहुत सुनाई दे रहा है आप लोगों को। वाह जोर से बारिश हो रही है, अब खूब जोर से बारिश हो रही है। विनीत राजू बारिश हो रही है, तैयारी हो गई है। यहाँ पर हम करेंगे ग्रिल, और यहाँ पे है मैरिनेटेड पूरा सामान हमारा, और सामने है लेक, यहाँ जल रहा है फायर जिसमें हम लोग ग्रिल करेंगे। तो ये लकड़ी जा रही है अंदर, वीडियो यहाँ पर होगा बढ़िया ग्रिलिंग सेशन, और मैं बैठ के वहाँ खाऊंगी बढ़िया गर्मा गर्म ग्रिल्ड खाना। क्या क्या खाने में बताओ? आज हमारे पास है खाने में बिहाइंड ये मैरिनेटेड टिक्का मसाला जैसे बनाया है, जिसमें मशरूम है, ये सारा वेज है। ये टिया के स्टाइल में है ड्राई वाला, और इसे हम ग्रिल करेंगे। और ये है मशरूम जिसे हम ग्रिल करेंगे, और इधर भी है अगेन वेज, और वहाँ पर है नॉन वेज। इस स्पेशल जो टिया जी ने करी है वो है प्रॉन्स। तो ये सारा खाना है हमारा आज, तो हम खाएंगे यम यमी फूड। वी आर रेडी टू ग्रिल दिस यमी, वी आर रेडी टू ग्रिल दिस यमी। ये बहुत यमी है, टिया लेकर आई है, सो गुड ये मैं भी लेकर आया करूंगी। और ये राइस क्रैक कर रहे हो, बहुत हेल्दी होते हैं। और ये चिली हैलोपिनो फ्लेवर में पैसा वाला चाहिए। तो ये एक हमारा जो टिक्का का वेज वाला है वो रेडी हो चुका है। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वाह 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 वाह, अच्छा काम करती है हमारी लड़की।
हमारा पूरा माल रेडी जो कि जाएगा ग्रिलर के अंदर। मस्त स्क्यूअर्स में लगा दिए सॉरी की सॉरी सब्जियां और मस्त दही में है इसका मैरिनेशन और यहाँ पे हो रही है बाकी सब्जियां। वाह 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 गोभी 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 टिया एक्सपर्ट हो गई है ये सब काम करने में। और टिया ने एक और कमाल किया है मेरा, टिया ने ना इसके अंदर मेरा स्वीट पोटैटो रखा है पूरा एल्युमिनियम फॉइल में रख के अंदर और वो जल ना जाए टिया बस। लग रहा है कि अभी उसका समय हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो मुझे हाथ में देगी ना कितना यमी, उसके से खोलते हुए दिखाऊंगी मैं आपको ठीक है गाइस। ओ लास्ट लास्ट और उसमें वो भी है तो फिर लटक गया ये टोफू। दोस्तों ये स्वीट पोटैटो जो कि अभी अभी गरम गरम भट्टी में से निकला है थोड़ा टिया डार्लिंग ने मुझे दिया है। वाह ये मुझे ऐसे ये ताइवान में खाते थे हम ऐसे करो हाँ ऐसा छिलका निकालेंगे ना बीच में से फाड़ो उसको छिलका मत निकालो हाँ फाड़ो अब ऐसे खोलो। वाह थैंक यू टिया। अब इसके अंदर मसाले लगाओ। नहीं कुछ भी नहीं ऐसे बहुत यम्मी लगेगा बढ़िया लगेगा ये बर्गर के लिए बेस्ट है। मैं भी लूं थोड़ा तारा के लिए। लो 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 तुम तारा के लिए निकाल दे गरम है हाँ संभल के बहुत गरम मत खाओ ना ऐसे गरम ठंडा करो ना तारा के लिए ठंडा करना हाँ तुम बिटवीन मी एंड आशी बोल रहे हो वो बोल वो भी मेरा ही नाम ले रही है उसकी तुम्हारे साथ हम दोनों मतलब यार यहाँ बोल अच्छा ठीक है तेरे हिसाब से कौन है फिर क्या ओके दोस्तों तो हम लोग आए हैं यहाँ पे कैंप फायर करने के लिए हमारे कॉटेज के पीछे राम ने जलाया है फायर और कितना अच्छा लग रहा है मौसम ठंडा हो चुका है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये अश्विन ने लाई है मेरे लिए कुर्सी। ओके दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे जल रहा है कैंप फायर हमने जलाई है हमने बोला तो ये राम ने जलाई है थैंक्स टू राम हम तो आलसी आत्मा है सारी की सारी तो यहाँ पर ये जल रहा है और हम यहाँ बैठेंगे और अभी बज रहे हैं रात के 11 और देख सकते हो उजाला भी बहुत है हम सब इंटरेस्टेड है ना गाइस यो और वो है हमारा कॉटेज खाना पीना सब हो चुका है यहाँ पे हमने दिन में की थी ग्रिल ये यहाँ पर हम बैठेंगे अभी थोड़ा देर और उसके बाद थोड़ा गेम वेम खेलेंगे गेम वेम खेलने के बाद हम आगे मतलब आज रात को हम थोड़ा देर गेम्स खेलेंगे पत्ते वत्ते खेलेंगे और फिर मैं आपको मिलूंगी बाद में बाय देना पड़ेगा सब रेडी हो रहे हैं सब रूम साफ कर रहे हैं कोई किचन में है सबकी ड्यूटी अलग अलग लगी हुई है फिलहाल पत्ते के बाद हम लोग निकलेंगे और निकलते वक्त मैं पूरे रूम का पूरे कॉटेज का आपको टूर दूंगी कॉटेज सुंदर है क्योंकि तो मैं आपको कॉटेज का टूर देने वाली हूँ कॉटेज बहुत बड़ा है तो बैकयार्ड सब कुछ दिखाऊंगी आपको तो सबसे पहले चलते हैं एंट्रेंस की तरफ तो यहाँ से है हमारी एंट्रेंस तो यहाँ से हम अंदर आते हैं तो ये है हमारी एंट्रेंस और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्पेट डाला हुआ है ये एंट्री यहाँ पे कोट वोट जो भी जूते उतारना यहाँ उतार सकते हो। जब हम यहाँ आते हैं तो ये भी एक छोटा सा फायर एरिया टाइप बनाया है इन लोगों ने और यहाँ पे कबर्ड्स है और यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए जैकेट जैसे ठंडी में कोई आता है तो यहाँ पे भी कोट्स वगैरह हैंग कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ये है एक लिविंग रूम ये है लिविंग रूम तो लिविंग रूम में एक कंफर्टेबल सोफा ये सोफा का हम बेड है रात को यहाँ पे भी लोग सोए थे और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है ये एक रूम है जहाँ पे डबल बेड है और एक वॉशरूम के साथ ही अटैच ठीक है ये एक रूम है। अब चलते हैं किचन की तरफ ये है डाइनिंग और डाइनिंग इतना बड़ा है कि सब लोग एक साथ खाना खा सकते हैं कम से कम 16 कितने लोग बैठ सकते हैं 14 पीपल कैन सिट हियर। आते हैं तो ये है हमारा किचन जहाँ पे अभी अंकित थोड़ा काम कर रहे हैं ये है किचन किचन में सारी चीजें हैं अगर मैं आपको दिखाऊं अगर डिटेल में तो दे हैव गिवन एवरीथिंग जैसे कि खाने का चम्मच अपने नाइफ कप्स और आपको गैस मिलेगी ग्लासेस मिलेंगे वाइन ग्लासेस विस्की ग्लासेस जो चाहिए वो कुक करने के लिए आपको बड़े बड़े यूटेंसिल्स भी दिए हैं इन लोगों ने देन फ्रिज है फ्रीजर है ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हो ड्रायर भी दिया है और वॉशिंग मशीन भी दी है और यूटिलिटी पूरा सामान यहाँ पर आपको आ जाएगा यहाँ पे आप अपना जो कपड़े है वो सुखा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस हम लोगों ने क्रिएट करी है अगर बाहर स्नो गिर रही है तो
ये हमारा बैकयार्ड है, यहाँ से जब आप आते हो तो ये पीछे का है, आपको ऊपर का दिखाऊंगी, पहले यहाँ का दिखा देती हूँ। तो ये है पूरा बैकयार्ड, तो वहाँ पे हमने ग्रिलिंग की थी कल, और वहाँ पे लेक है जहाँ पे एक छोटी सी बोट है, वहाँ पे हमने कल स्विम भी किया था। तो आप लोग व्लॉग देखो, आपको व्लॉग में समझेगा मैं आपको कहाँ का क्या क्या बता रही हूँ। और उसके बाद चलिए अंदर, अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर दो रूम है। देखोगे तो यहाँ पर एक सिटिंग है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, बैठ कर सकते हो, बात कर सकते हो। उसके बाद जब आप यहाँ आते हो तो ये एक रूम है जहाँ पे आराम से दो लोग सो सकते हैं, यहाँ पे दो लोग सो सकते हैं यहाँ पर, और टेबल दिया है, स्टोरेज दिया है रखने के लिए, कोट रखने के लिए, एवरीथिंग। और व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का। जब ये वाले कमरे में आप आते हो तो यहाँ पर बंक बेड जहाँ पे टोटल चार लोग सो सकते हैं, ये चार लोग यहाँ सो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सौना भी है। ओके, ये है बाथरूम और अंदर सौना है, अंदर बैठ के आप सौना ले सकते हो। तो ये है पूरा यहाँ का लुक। और ये है एक वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है यहाँ पर ये। तो ये था मेरा कॉटेज का टूर, और यहीं पे हमारी ट्रिप जो है वो एंड होगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये कॉटेज टूर और हमारा जो भी ब्लॉग है आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। What you doing, making me